आज टीएमसी के पूर्व विधायक शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। शुभेंदु के साथ कई और विधायकों के भी बीजेपी में शामिल होने की संभावना है। मिदनापुर में गृह मंत्री अमित शाह की सभा में शुभेंदु बीजेपी के साथ अपनी नई पारी शुरू करेंगे और इस मौके पर करीब 10,000 टीएमसी कार्यकर्ता भी कमल का झंडा थामेंगे। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के बंगाल दौरे पर कोलकाता में हैं। आज वो मेदिनीपुर जाएंगे और खुद ही राम बोस को श्रद्धांजलि देंगे, साथ ही रामकृष्ण मिशन का दौरा भी करेंगे। गृह मंत्री आज सिद्धेश्वरी मंदिर में पूजा पाठ भी करेंगे। 20 दिसंबर को गृह मंत्री बोलपुर जाएंगे और विश्व भारती का दौरा करेंगे। खुद ही राम बोस के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, फिर वहाँ के प्रसिद्ध माता जी के मंदिर में जाएंगे, वहाँ से एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और मुझे लगता है उस जनसभा में काफ़ी लोग बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइनिंग का भी कार्यक्रम हो सकता है। अमित शाह के बंगाल दौरे से पहले गृह मंत्रालय के आला अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव के साथ बैठक की। दोनों सीनियर अधिकारियों ने गृह मंत्रालय को सूबे में कानून व्यवस्था के हालात की जिम्मेदारी दी, साथ ही जेपी नड्डा के काफिले पर हमले को लेकर भी ब्यौरा दिया। सूत्रों की माने तो बंगाल के दोनों अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि अमित शाह के दौरे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। अमित शाह का दौरा बीजेपी के मिशन बंगाल को देखते हुए काफी अहम माना जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि टीएमसी के कई नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। साथ ही अमित शाह उन 7 नेताओं के साथ मीटिंग भी करने वाले हैं जिनके कंधे पर बीजेपी को जिताने की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी ने 7 दिग्गजों को मिशन बंगाल की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इस स्पेशल 7 में 5 केंद्रीय मंत्री और 2 सूबे के कद्दावर मंत्री शामिल हैं। केंद्रीय मंत्रियों में संजीव बालियान, गजेंद्र सिंह शेखावत, मनसुख मंडाविया, अर्जुन मुंडा और प्रहलाद पटेल शामिल हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी टीम में शामिल किया गया है। इनमें से हर एक के कंधे पर 6 लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी होगी और ये सभी सीधे अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष को रिपोर्ट करेंगे। और 9 अन्याय कि अब बंगाल की जनता और अन्याय सहन नहीं करेगी, इसके लिए एक जन जागरण का अभियान जो प्रारंभ किया है वो 6 ऐसे लोकसभा क्षेत्रों में देखने की जिम्मेदारी मुझे दी थी, उसके लिए मैं दूसरी बार आज बंगाल में आया हूँ। बीजेपी के कद्दावर नेता रहे शुभेंदु अधिकारी के मामले में एक नया मोड़ आया है। विधानसभा के स्पीकर ने शुभेंदु का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। स्पीकर के मुताबिक शुभेंदु का इस्तीफे का फॉर्मेट ठीक नहीं है। शुभेंदु को स्पीकर ने 21 दिसंबर को बुलाया है और खुद से इस्तीफा सौंपने के निर्देश दिए हैं। इस बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि आज वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। टीएमसी में भागम भाग की सियासत जारी है। शुभेंदु अधिकारी और जितेंद्र तिवारी के बाद बैरकपुर से विधायक शीलभद्र दत्ता ने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देते ही उनके दफ्तर में ममता बनर्जी की तस्वीरें हटा दी गई और विवेकानंद की फोटो लगा दी गई। शीलभद्र दत्त ने कहा कि टीएमसी को प्रोफेशनल और पर्सनल लोग चला रहे हैं। आसनसोल के विधायक जितेंद्र तिवारी ने यू टर्न लिया है। गुरुवार को खबर आई थी कि उन्होंने टीएमसी से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब कह रहे हैं कि वो टीएमसी में थे, हैं और रहेंगे। दरअसल जितेंद्र तिवारी के इस्तीफे के बाद आसनसोल में काफी हंगामा मचा हुआ है। उनके बैनर पोस्टर फाड़े जा रहे हैं और सियासी विरोध भी हो रहा है। आसनसोल से सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने फेसबुक पर लिखा कि ऐसे किसी भी नेता के बीजेपी में शामिल होने का वो विरोध करेंगे। नेता की भागम भाग से टीएमसी में हड़कंप है। ममता बनर्जी ने पार्टी के आला नेताओं की बैठक बुलाई और आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की। बैठक में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी समेत पार्टी के तमाम आला नेता मौजूद रहे। दिलचस्प ये कि बैठक में प्रशांत किशोर भी मौजूद रहे जो आजकल टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति बना रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। चुनाव आयोग की टीम दनादन बैठकें कर रही हैं, तैयारियों की समीक्षा कर रही है। शुक्रवार को चुनाव आयोग की टीम ने सिलीगुड़ी में बैठक की और 5 जिले के डीएम और एसपी से तैयारियों का ब्यौरा लिया। ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने पश्चिम बंगाल की सरकार को निर्देश दिए हैं कि बीजेपी नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं की जाए।
कोर्ट ने ये आदेश बीजेपी नेताओं की याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया है। बीजेपी नेताओं ने याचिका लगाई थी कि उन पर बेवजह मुकदमे किए जा रहे हैं और परेशान किया जा रहा है। सोनभद्र में समाजवादी पार्टी के नेता गया सिंह यादव को धमकी भरा खत मिलने से सनसनी फैल गई। कथित तौर पर नक्सलियों की इस चिट्ठी में 15 लाख की फिरौती की मांग की गई है। फिरौती नहीं देने पर 6 इंच छोटा करने की धमकी दी गई है। घटना के बाद गया सिंह यादव ने पुलिस से शिकायत दर्ज की है। पुलिस को फिलहाल इसमें नक्सलियों का हाथ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों ने अचानक हमला कर दिया। नक्सलियों ने कोलियारी परिसर में खड़े 5 गाड़ियों में आग लगा दी। आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई देने लगी। नक्सली हमले की खबर मिलते ही पुलिस पहुंच गई और मुठभेड़ शुरू हो गई। नक्सलियों की गोली से 2 ट्रक ड्राइवर घायल हो गए। लातेहार के SP प्रशांत और नक्सली अभियान से जुड़े SP विपुल पांडे मुठभेड़ वाली जगह पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। चमोली में चट्टान टूटने से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे घंटों जाम रहा। गोचर के करीब यह हादसा हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद मलबे को साफ किया जा सका। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर 4 धाम परियोजना के तहत निर्माण काम के दौरान पहाड़ से पत्थर टूटकर गिरने लगे। वहीं गोचर में भी लगातार पहाड़ के टूटने से 4 महीने बाद भी खतरनाक जगह पर रास्ता का काम पूरा नहीं हो सका। नैनीताल के कॉर्बेट में ऑपरेशन टाइगर शुरू हो गया है। यहाँ के टाइगर रिजर्व से 5 बाघ को राजा जी टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया जा रहा है। इसके लिए कॉर्बेट में 5 बाघों की पहचान कर ली गई है, लेकिन वन कर्मियों को ये बाघ नजर नहीं आ रहे हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में इस वक्त 231 बाघ हैं, जबकि राजा जी नेशनल पार्क में 40 बाघ मौजूद हैं। कॉर्बेट में बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरे भी लगाए गए हैं। मंडी के ब्यास नदी में सेल्फी लेने के चक्कर में पर्यटक की डूबकर मौत हो गई। सेल्फी लेते समय नदी में पांव फिसल गया, जिसके बाद वो डूबने लगा। मृतक के साथी ने बचाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। उसकी तलाश में बचाव दल को भी बुलाया गया। मृतक आगरा का रहने वाला था और यहां से मनाली घूमने जा रहा था। हरदोई में कल शाम से घर से लापता 7 साल की दलित लड़की का शव बरामद हुआ है। परिवार वालों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है। मृतक नाबालिग के कपड़े अस्त व्यस्त मिले। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक लुटेरी दुल्हन इन दिनों खूब चर्चा में है। नेपा नगर के पंकज मालवीय ने इटारसी की रोशनी चौधरी से इसी साल नवंबर में शादी की थी, लेकिन शादी के महज 10 दिन बाद ही रोशनी अपने घर चली गई और आज तक नहीं लौटी। पीड़ित युवक ने नेपानगर थाने में शिकायत की है। पीड़ित युवक के मुताबिक युवती के मामा और भाई ने खर्चे के नाम पर उसके परिवार से 50,000 रुपये नकद लिए थे और युवती 50,000 से भी ज्यादा कीमत के गहने लेकर फरार हो गई। धौलपुर के सौंपौ थाना क्षेत्र में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर नवविवाहिता पर लाठी डंडों से हमला हुआ। ससुराल पक्ष के लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। ससुराल पक्ष ने नवविवाहिता के घर वालों की भी पिटाई की, जिसमें विवाहिता, उसका भाई और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों के मेडिकल कराने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि ससुराल वाले बाइक और दूसरे सामान की मांग को लेकर आए दिन महिला को शारीरिक और मानसिक यातना दे रहे थे। जब बात महिला के घर वालों तक पहुंची तो भाई उसे देखने आया और घर ले जाने लगा, जिसके बाद पीड़िता के ससुराल वालों ने मारपीट की। राजस्थान के भरतपुर में 4 नकली पुलिस की गांव वालों ने जमकर पिटाई कर डाली। ये चारों पुलिस बनकर पैसे ऐंठने के चक्कर में गांव में एक शख्स को उठाने आए थे। हकीकत का पता लगने पर गांव वालों ने फर्जी पुलिसकर्मियों की मौके पर ही जमकर धुनाई की। बाद में पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया जा रहा है कि एक आरोपी दिल्ली में RAC बटालियन में तैनात था, जो अपने कुछ साथियों के साथ मेवात इलाके में ठगी को अंजाम देने पहुंचा था।
छपरा के मांझी घाट पर फायरिंग के मामले में आखिरकार पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा, 1 पिस्तौल, 1 चाकू, 10 कारतूस, 6 मोबाइल समेत 2 विदेशी शराब भी बरामद हुई है। अपराधी एक घटना को अंजाम देने की फिराक में थे जिनके भनक पुलिस को लग गई। पुलिस ने छापेमारी करके अपराधियों को गिरफ्तार किया। इन अपराधियों ने 20 नवंबर की शाम छठ पूजा के दिन मांझी घाट पर फायरिंग की थी। बिहार के मोतिहारी में शराब पकड़वाने के विवाद में जमकर पथराव हुआ। इसके बाद 4 राउंड हवाई फायरिंग हुई जिसमें 6 लोग जख्मी हो गए। पहले पुलिस के कब्जे से गांव वालों ने 3 लोगों को छुड़ाया, लेकिन बाद में भारी संख्या में पुलिस आने के बाद 1 शख्स को हिरासत में लिया जा सका। दरअसल मोतिहारी के यमुनापुर के शराब कारोबारी को मननपुर गांव के लोगों ने पकड़कर 2 दिन पहले पुलिस को सौंपा था, जिसके बदले यमुनापुर के लोग मननपुर के एक युवक को उठाकर यमुनापुर में ही पंचायत कर रहे थे। इसी दौरान जमकर हंगामा हुआ और फिर हिंसक झड़प में बदल गया। समस्तीपुर में फायरिंग करने वाले मुखिया के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। अपने बेटे की रिसेप्शन पार्टी में बाजितपुर म्यारी पंचायत के मुखिया की फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में मुखिया बार बालाओं के साथ डांस करते भी नजर आया। इस मामले में मुखिया के हथियार के लाइसेंस को भी रद्द किया जाएगा। मुखिया ने बेटे की शादी के बाद 17 दिसंबर को गांव में ही रिसेप्शन पार्टी का आयोजन किया था। नाइजीरिया में बोको हरम के कब्जे से अगवा किए गए 344 स्कूली बच्चों को छुड़ा लिया गया। पश्चिमी शिक्षा के विरोध के तौर पर इन्हें अगवा किया गया था। सुरक्षा बल के अधिकारियों ने जान जोखिम में डालकर बच्चों को बचाया। अब बच्चों को मेडिकल जांच के बाद उन्हें घर पहुंचाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में एक दंपत्ति की हत्या मामले की जांच के दौरान पुलिस को आतंकी घटना होने के सबूत मिले हैं। क्वींसलैंड के स्टेट कमिश्नर ने बड़े स्तर की जांच के आदेश दिए हैं। हमलावर ने दंपत्ति की हत्या चाकू से की थी। परमाणु कार्यक्रमों को लेकर अमेरिका से चल रहे तनाव के बीच ईरान ने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट बनाई है। एक स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी से ली गई सैटेलाइट तस्वीरों से ये खुलासा हुआ है, मगर ईरान ने इस बात से इनकार किया है। रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नावेलनी को जहर देने को लेकर सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्लादिमीर पुतिन ने बेबाक जवाब दिए। बावजूद इसके नावेलनी ने अपने वीकली यूट्यूब शो के जरिए पुतिन पर फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पुतिन की न्यूज कॉन्फ्रेंस देखने के लिए समय ही नहीं मिला। दुनिया में कोरोना के मामले 7,54,00,000 के पार चले गए हैं। महामारी में अब तक 16,71,000 से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं, जबकि 5,24,00,000 लोग अब तक कोरोना को हराकर ठीक हो चुके हैं। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि सर्दियों में कोरोना से बचने के लिए ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि तापमान गिरने की वजह से सतहों पर लगे कोरोना वायरस के कारण लंबे समय तक संक्रामक रह सकते हैं। कोरोना के कहर के बीच बर्फीली सर्दी के चलते जर्मनी में राजधानी बर्लिन के एक रेस्टोरेंट को शेल्टर हाउस में बदला गया है। सर्दियों में खुली सड़कों पर सोने वालों को राहत देने के लिए यह कदम उठाया गया है। फिजी में चक्रवाती तूफान यासा ने कोहराम मचा दिया है। बाढ़ और तूफान से अब तक 2 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 100 से ज्यादा घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। राहत और बचाव कार्य जारी है। फिजी के प्रधानमंत्री वोरेक बेनी मारामा लोगों से सावधान रहने की अपील की है। बायर्न म्यूनिख के गोलकीपर मैनुअल नोया को फीफा मेंस गोलकीपर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। खिताब लेने के बाद नोया ने कहा कि ये मेरे जीवन का शानदार पल है। पॉप स्टार जस्टिन बीबर ने अपने सुपरहिट गाने होली के रिमिक्स पर जबरदस्त परफॉर्म किया। जस्टिन के इस परफॉर्मेंस से इकट्ठा होने वाले फंड को नेशनल हेल्थ सर्विस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जस्टिन बीबर ने होली को 5 साल पहले क्रिसमस के मौके पर ही रिलीज किया था। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।